दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पांच खौफनाक भूतिया मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने लोगों के दिलों पर बहुत राज किया। अगर आपको भूतिया मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप 2000 से 2019 तक आई इन टॉप 5 मूवी को जरूर देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन मूवी को देख कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और डर भी बहुत लगने वाला है। दोस्तों, मैं आगे इस मूवी का इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है द कॉन्जरिंग। द कॉन्जरिंग सच्ची घटना पर आधारित भयानक मूवियों में से एक ऐसी डरावनी मूवी है जिसने लोगों के दिलों पर बहुत राज किया। इस मूवी में भूतिया घटना एक परिवार के साथ घटती है जिसमें एक औरत और 4 बच्चे अपने एक घर में रह रहे होते हैं। इस मूवी में एक बूढ़े आदमी की आत्मा उनको परेशान करती है और उनके ऊपर एक भूत होता है जो उसको कंट्रोल करता है। यह भूतिया घर लंदन में होता है जिसे इनफील्ड हॉन्टेड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस भूतिया घटना से परेशान होकर वो औरत पैरानॉर्मल एक्टिविटी के माहिर 2 लोगों को बुलाती है और फिर इस मूवी में भूत का भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। इस मूवी को 2 पार्ट 2013 और 2016 में आए, दोनों पार्ट ही बहुत भयानक है। नंबर 2 पर है एनाबेल डॉल। 2014 और 2017 में आई इस मूवी ने आज तक बनी सभी भूतिया मूवी में अपनी अलग ही पहचान बनाई। एनाबेल डॉल मूवी को देखने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। एनाबेल डॉल एक गुड़िया पर आधारित सच्ची कहानी की मूवी है। यह कहानी ऐसे 3 फ्रेंड के साथ की है जिन्होंने यह हॉन्टेड हॉल डॉल इतना आतंकित कर देती है कि उन्हें उससे मुक्ति पाने के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड लॉरेन बेरिन की मदद लेनी पड़ती है। यह डॉल आज भी बोरेन के म्यूजियम में शीशे के शोकेस में बंद है। एंड और लॉरेन के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें आज भी जिंदा है। उनके अनुसार इस डॉल को बॉक्स में बंद करने के बाद भी यह एक इंसान की मौत का कारण बन चुकी है। यदि आप भूतिया मूवी देखने के शौकीन हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखें। नंबर 3 पर है ओइजा ओरिजन ऑफ इवल 2016। ओरिजन ऑफ इवल 2016 की एक अमेरिकी स्पेचुनेशनल फिल्म है जिसका निर्देशन और संपादन वाइक फिल्मगन ने किया था। यह फिल्म 2014 की फिल्म ओइजा की प्रिक्वल है। एक विधवा और उसके परिवार ने अपने बोनी शपथ व्यवसाय में एक ओइजा बोर्ड के परिचय दिया जिसमें सबसे छोटी बेटी के पास एक आत्मा को बुलाया गया। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई के साथ रिलीज हुई। भूतिया मूवी के जगत में इस मूवी ने बहुत ही प्रशंसा हासिल करी। नंबर 4 पर है इंसीडियस। 2010, 2013 और 2015 रिलीज़ हुई इस मूवी के सभी पार्ट बहुत ही भयानक है। अगर आप हॉरर फिल्मों के दीवाने हैं तो इस बेशक मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। फिल्म में एलिसे का किरदार निभा रही लिंचे ने बेहद ही उम्दा एक्टिंग की है। फिल्म की कहानी मैक्सिको से शुरू होती है। एलिस अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ एक घर में रह रही होती है। एलिस बचपन से ही भूतिया घटनाएं महसूस कर सकती है। एलिस की माँ को इस बात पर यकीन हो जाता है पर एलिस के पापा उसको शैतानी शक्ति समझते हैं। इस कारण एलिस घर छोड़कर चली जाती है। एक दिन एलिस को एक कॉल आता है और एक शख्स उससे बुरी आत्माओं से पीछा छुड़ाने के लिए मदद मांगता है। फिर शुरू होता है डर और रोमांच का सफ़र। क्या एलिस उस आत्मा से उस आदमी का पीछा छुड़ा पाएगी और यह आत्मा किसकी है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस फिल्म में मिलने वाला है। नंबर 5 पर है ऑक्यूलस। 2013 में आई यह भूतिया मूवी दुनिया में एक अलग ही तरीके से छाई। ऑक्यूलस 2013 की एक अमेरिकी अलौकिक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जिसका संपादन और निर्देशन माइक फ्लैगन द्वारा किया गया था। इस मूवी करेन गिलन एक युवा महिला के रूप में है जो आश्वस्त है कि एक एंटेक मिरर मृत्यु का दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार है जो उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। इस फिल्म को बहुत ही लोकप्रियता मिली। 5 सितंबर 2013 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का विश्व प्रीमियम हुआ और 11 अप्रैल 2014 को व्यापक रूप से रिलीज किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जल्द ही मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।